सभी को नमस्कार। 10th ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 5, लेसन का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन पर वीडियो बना रहे हैं। लेसन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें खनिज कहाँ से मिलते हैं, खनिजों के प्रकार क्या हैं। उसके बाद जो हम जानेंगे कि लोह खनिज जो हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। 10th ज्योग्राफी लेसन 5, लेसन का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या विशेषताएं हैं खनिजों की। देखिए, जो पृथ्वी की परपटी है, मतलब जो ऊपरी परत है, वो विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी हुई है। इन खनिजों का उपयुक्त संशोधन करके ही हम धातुएं निकालते हैं इनमें से। देखिए, खनिज हमारे जीवन का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य भाग है। आप अपने घर में एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी इमारत, कोई भी जहाज, रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, औजार, मशीनें, जो भी देखते हैं वो सब खनिजों से बनी हुई है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व हैं, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। देखिए, हर जो भी खनिज है, मान लो लोहा है, कोयला है, चूना, सबकी एक अलग से आंतरिक संरचना है। 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर जो चट्टाने हैं उनमें कुछ ही खनिज हैं जो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो कुछ हाइलाइट्स से लेसन के बारे में। चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं लेसन। सबसे पहला आता है कि खनिज हैं क्या। देखिए, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जिनकी उत्पत्ति भूगर्भ में होने वाली कुछ भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। मतलब खनिज ऐसे पदार्थ हैं जो धरती के अंदर पैदा होते हैं और कुछ वैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं तो उसके द्वारा ये बनते हैं, जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। अब हम जान लेते हैं इनके प्रकार। देखिए, सबसे पहला क्या है, धात्विक खनिज, वो खनिज जिसमें धातुएं होती हैं, जैसे कि लोहा। धात्विक खनिज जो हैं वो आगे 3 तरह में डिवाइड हैं। लोहो, जिसमें लोहे की मात्रा होती है, अलोहो, जैसे कि सोना, चांदी, और बहुमूल्य खनिज, जैसे कि आपके प्लैटिनम हो गया। अधात्विक खनिज, वो खनिज जिसमें धातुएं नहीं होती, जैसे कि आपका चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया। ऊर्जा खनिज, इसमें पेट्रोल, डीजल, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। चलिए अब हम इनसे आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं धात्विक खनिजों के बारे में। देखिए, धात्विक खनिज क्या होते हैं। धात्विक खनिज पदार्थ वे हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे कि आप अपने घर में जो बिजली की तारें देखते हैं उसके अंदर आपको कोई ना कोई खनिज जरूर दिखता है जिसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है। तो ये क्या काम करते हैं, बिजली को पहुंचाने का काम करते हैं। खनिज खानों से निकाले जाते हैं तो इसमें बहुत ही अशुद्धियाँ होती हैं, उसे साफ करना पड़ता है एक प्रक्रिया से। हर खनिज को साफ करने का एक अलग प्रोसेस है। चलिए देखिए, कुछ धात्विक खनिज जो हैं वो बहुत ही चमकीले होते हैं, जैसे कि आपका सोना। अब हम बात कर रहे थे धात्विक खनिजों की। सबसे पहला देखते हैं उसमें बहुमूल्य धातुएं, इसमें सोना, चांदी, प्लैटिनम आ जाते हैं। दूसरी हल्की धातुएं, इसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम आते हैं। साधारण धातुएं, तांबा, जस्ता, टिन, लोहा, रंगा, पारा इत्यादि आते हैं। लोहास खनिज,
जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और पायराइट आते हैं। चलिए आगे कुछ और खनिजों के बारे में हम जान लेते हैं। लोह खनिज अभी चल रहे हैं। अब आ गई इसमें लोह मिश्र धातुएं, जैसे क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन इत्यादि। अलोह धातुएं मतलब जिनमें ऐसी धातुएं जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे कि पारा, कैडमियम। विरल धातु जो बहुत कम पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? ये अणु शक्ति से संबंधित धातु हैं, धरातल पर बहुत कम मिलती हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, बेरिलियम। अभी तक हमने धात्विक खनिजों के बारे में जाना, अब हम खनिजों के दूसरे प्रकार अधात्विक खनिज पर चल रहे हैं। देखिए जिन खनिज पदार्थों में धातु का अंश नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। इस खनिज में जो अशुद्धियां हैं वो बहुत ही कम होती हैं। अधात्विक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे आप मार्बल को देखें, मार्बल में एक अपनी चमक होती है। अधात्विक खनिज पत्थर और मिट्टी से बनते हैं, ये अवसादी और परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। अधात्विक को पीटा नहीं जा सकता, आप पत्थर पर अगर हथौड़ा मारेंगे तो मार्बल तो टूट जाएगा। इसको आकार नहीं दिया जा सकता, जैसे कि चूना है, चूने को आप आकार नहीं दे सकते। चलिए आगे देखते हैं इसे। अधात्विक खनिजों के उदाहरण देखिए, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उसके अलावा नाइट्रेट, फास्फेट, पोटाश, गंधक, हीरा, पन्ना, नीलम, ओपल और जिप्सम, नमक, गंधक, ये सब अधात्विक खनिज है, मतलब इसमें धातु का अंश नहीं होता। चलिए इससे आगे देखते हैं। अब हमें खनिज मिलता कहाँ से? देखिए जो खनिज हैं उनके निर्माण की एक अलग ही प्रक्रिया है, ये धरातलीय चट्टानों के अपघटन से बनते हैं। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के कारण अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं और वो बॉक्साइट का निर्माण करती हैं। इस तरह हर खनिज के बनने की एक अलग प्रक्रिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।